तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कलर नहीं है अल्पना बनवाने के लिए, या फिर कलर अगर आप लोगों को ना मिले, या फिर कलर को लेकर कोई समस्या हो, तो आप लोग घर पर इस चीज़ से बहुत ही आसानी से बहुत ही खूबसूरत अल्पना बनवा सकते हैं, एकदम एकदम प्योर फैब्रिक की तरह ही। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग इससे अल्पना बनवा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिंदूर से अल्पना बनवा कर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग सिंदूर से अल्पना बनवा सकते हैं। जो कलर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे है, बिल्कुल फैब्रिक की तरह ही आता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इससे किस प्रकार के अल्पना बनवा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 1 रुपया का सिंदूर है जो आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। और आप इसके साथ ऑयल ही मिलाइएगा, क्योंकि वाटर इसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता। ऑयल मिलाएगा तो देखिए पूरा फैब्रिक के तरह ही बन जाएगा ये काला। देखिए मैं अभी फैब्रिक आपको दिखाता हूँ, देखिए दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये फैब्रिक है या सिंदूर है। और ये मात्र इसका दाम है 1 रुपया, और 1 रुपया में जितना भी सिंदूर मिलता है उससे वो भी आपको बच जाएगा, उतना लगेगा नहीं आपको, बस उससे आधा में भी हो जाएगा। बस आप लोग इससे ऑयल मिलाइएगा इसके साथ, और नारियल का ऑयल ही मिलाइएगा, क्योंकि सरसों का ऑयल या और कोई कलरफुल ऑयल मिलाएगा तो कलर अलग हो जाएगा। और नारियल का ऑयल वाइट होता है तो उससे इसका जो कलर है वो ओरिजिनल ही रहता है। तो आप लोग नारियल का ऑयल ही मिलाइएगा। और देखिए ऑयल मिलाने के बाद इसको आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये फैब्रिक है या सिंदूर है। इसमें ब्रश खींचने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो क्योंकि इसका ब्रश जो है वो हमेशा ही फ्लैट हो रहा है। मैंने भी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि इस प्रकार से होगा, क्योंकि राउंड नहीं बन पा रहा है ब्रश। ये राउंड ब्रश है लेकिन ये बार बार फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, राउंड नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था मुझे ब्रश खींचने में, लेकिन और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इससे करने के लिए। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये फैब्रिक है या सिंदूर है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर पर, अगर आपके पास कलर नहीं है तो सिंदूर से आप लोग बहुत ही अच्छे से डिजाइन बनवा पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है। और आप लोग बताइए कि ये कैसा लग रहा है। तो इसका कलर का जो ग्लो है वो देखिए कितना अच्छा आया है। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंदूर है या फिर कलर है, फैब्रिक कलर है। मैं आप लोगों को मेरा फैब्रिक का एक डिज़ाइन दिखाता हूँ जो मैंने किया था। ये देखिए, ये है फैब्रिक से किया हुआ डिज़ाइन और ये है सिंदूर से। तो देखकर आप लोगों को, तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। कलर में तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही दोनों ही सेम लग रहा है। अगर कोई देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंदूर से बना हुआ है और ये फैब्रिक से बना हुआ है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सिंदूर से किस प्रकार से अल्पना बनते हैं और ये कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को डिफरेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये फैब्रिक से बना हुआ है या फिर सिंदूर से। और आप लोग बताइए कि ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और इसी तरीके का और भी क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आगे आप लोगों को और भी बहुत ही अच्छे अच्छे और भी बहुत ही सारी चीज़ों से अल्पना बनवाना सिखाऊंगा। और भी कई सारे जगह पर मैं आप लोगों को अल्पना बनवा कर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अल्पना बनवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्रिएटिव वीडियो लेकर।